आज 19 साल के बाद मेरे मुख्यमंत्री को अनुसूचित जाति की याद आई, तब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण के साथ ये बताया कि किस तरीके से दलित विरोधी सोच मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखते हैं, किस तरीके से मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम, किस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो पुनः दलित समाज से आते उनको अपमानित करने का शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। आज भीम संसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के सोच के साथ आयोजित की गई है। क्यों? क्योंकि 2020 चिराग मॉडल से हारे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात का डर सता रहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पिछली बार से बुरा हाल इनका इस बार होगा। इस डर से आज इनको भीम संसद आयोजित करने का इनको ख्याल आया। पर कोई पूछे इनसे कि जब आप भीम संसद आयोजित कर रहे हैं तो बताएं मुख्यमंत्री जी कि क्यों आपके प्रदेश में आपके गृह मंत्री रहते हुए दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, क्यों दलितों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार, युवाओं का गला रेत कर हत्या, चौकीदारों की हत्या, क्यों दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी, क्या किया आपने इन परिवारों की सुरक्षा को लेकर, वादे आपने किए इस समाज को बांटते वक्त कि भैया दलित महादलित बनाएंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे, क्या इस वादे को वो पूरा आज तक कर पाए? चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि दलित परिवार में अगर कोई हत्या होगी तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कितने दलित परिवार की हत्याओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाने का काम किया, कितने ऐसे परिवारों को सरकारी रोजगार देने का मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आज क्या भीम संसद सिर्फ और सिर्फ चिराग मॉडल से डर कर मुख्यमंत्री जी आयोजित कर रहे हैं? हकीकत है भैया, इसमें भी चले जाइए कैमरा लेकर, हम उसी रास्ते से गुजर कर आए हैं। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का झंडा अपने कंधे पे उठाए हुए हैं उनकी जुबान से चिराग पासवान हम आपके साथ हैं, ये बातें आप लोग भी जाइए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे अभी भी संसद में लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? हकीकत तो है ना ये कि अनुसूचित जाति वर्ग के साथ मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अन्याय करने का काम किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों रोका गया भाई? आपने बाकियों को तो आपने प्रमोट किया, क्यों सिर्फ अनुसूचित जाति का प्रमोशन इसमें रोका गया? तो क्या यह अन्याय नहीं है? वो लोग आज अपने हक अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आप उन पर लाठी चलाएंगे तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आपका झंडाबाद करेंगे? सवाल है, 28 तारीख को आप भी स्थापना दिवस पार्टी का मना रहे हैं, पशुपति कुमार पारस भी मना रहे हैं, लेकिन 2 दिन पूर्व उन्होंने कहा है जीवन में कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा में वो नहीं है, ये कर फिर से। अरे प्रभु, कितना पानी बह गया है गंगा से तब से लेकर अभी तक, वो 3 साल पुराने के जमाने में ही जी रहे हैं, अभी भी पुरानी बातें कर रहे हैं भाई, बहुत आगे निकल गए हम लोग। हाँ, उन्होंने उस वक्त नीतीश जी की तारीफ की थी, सोचिए जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने हमारे नेता को राज्यसभा को लेकर जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना की सभा में किया, उनके नेतृत्व में जाकर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी तोड़ी ना, क्योंकि चिराग पासवान को जिन्होंने मेरे नेता का अपमान किया उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है, पर ये उनके साथ जाकर आज भी उन्हीं के कोटे से ये मंत्री बने हुए हैं ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।